और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां बहराइच की थाना नवाबगंज और स्क्वाड टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। बहराइच पुलिस ने हरियाणा के हिसार के रहने वाले दो सातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अपने ट्रक से लोगों का सामान ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कहीं ले जाने के लिए बुक करते थे और फिर ट्रक का नंबर प्लेट और कागजात बदल कर उनका सामान चुरा कर बेच देते थे। ट्रक का नंबर प्लेट बदलने के कारण इन्हें ढूंढना भी काफी मुश्किल होता था। इन लोगों ने हाल ही में इसी तरीके से बहराइच के थाना नवाबगंज इलाके से एक व्यापारी का 350 कुंतल गेहूं चुरा लिया था, जिसके बाद बहराइच पुलिस के द्वारा इनकी खोजबीन शुरू कर दी गई थी। फिलहाल इनके और साथियों और सूत्रों की तलाश की जा रही है। मामले में मीडिया से बात करते हुए बहराइच के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने बताया कि इनके पास से चोरी में प्रयोग किए जाने वाली ट्रक और एक टाटा जस्ट कार भी बरामद की गई है। फिलहाल दोनों को ही जेल भेजा जा रहा है और इनके तार कहां कहां जुड़े हैं पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। एसपी केशव कुमार चौधरी के द्वारा मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। विराट 24 न्यूज के लिए उत्तर प्रदेश से शहनवाज खान की रिपोर्ट। 30 मई को थाना नवाबगंज में एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें एक व्यापारी ने, जो गेहूँ का व्यापारी था, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि जिस ट्रक के माध्यम से वो 350 क्विंटल गेहूँ उन्होंने किसी अन्य व्यापारी के यहाँ भेजा था, वह ट्रक और ड्राइवर सहित गेहूँ सहित ट्रक और ड्राइवर दोनों ही गायब हो गए और जो सामान जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँचा। तो इन उनकी सूचना पर मुकदमा दर्ज किया गया था और घटना के अनावरण के लिए दो टीमें गठित की गई थी। तो स्वास्थ्य टीम और थाना नवाबगंज टीम ने लगातार परिश्रम करके और तमाम सोर्सेस से जानकारी प्राप्त करते हुए इस घटना का अनावरण किया है और दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अभियुक्तों के पास से जो ट्रक यूज हुआ था वह बरामद हुआ है। एक फोर व्हीलर गाड़ी जो इस घटना में यूज हुआ था वह भी बरामद किया गया है। साथ ही गेहूँ इन्होंने जो है कहीं अन्य बेच दिया था, उससे प्राप्त 2,37,000 रुपये इनके पास बरामद किया गया। पुलिस टीम के लिए कोई पुरस्कार की भी घोषणा? पुलिस टीम परिश्रम और प्रावर्तन 25,000 रुपये। तो क्या इस तरह के गैंग और भी चल रहे होंगे, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है? ये इस घटना का अनावरण किया गया और ये घटना हुई है वो हम लोग अभी विवेचना इसकी कर रहे हैं। अगर इस तरह के और भी इन्वॉल्व होंगे या एक्टिव होंगे तो हम लोग उन पर भी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।